24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन, पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। सभी रीति रिवाजों में मकर संक्रांति पोष माह में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में भी जहां खुशियों का त्यौहार लोहड़ी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, वहीं विकासनगर पशुपादून क्षेत्र में भी मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। विकासनगर के मंदिरों में जहां मकर संक्रांति हवन पूजा के साथ मनाई गई, वहीं विकासनगर क्षेत्र के लोग खिचड़ी बनाकर लोगों को खिलाने के साथ मकर संक्रांति मना रहे हैं। विकासनगर के हनुमत धाम में भी हवन यज्ञ एवं खिचड़ी खिलाकर आज मकर संक्रांति मनाई गई। मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व है कि लोग अपने घरों में खिचड़ी बनाते हैं और जिन युवतियों की शादी हुई होती है तो वह लड़कियां भी अपने मायके में आकर मकर संक्रांति की खिचड़ी का लुत्फ अपने मायके में उठाती हैं। सर, ये बताए कि जो मकर संक्रांति आज बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? मकर संक्रांति वास्तव में सूर्य उपासना का दिन है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। अब जो सर्दी का मौसम था वो उतार पर है और प्रकृति के दृष्टि से और ऋतु परिवर्तन की दृष्टि से और सूर्य आज उत्तरायण में प्रवेश करेगा और इस दृष्टि से सूर्य की आज हमारे हिंदू समाज में पूजा की जाती है। हवन यज्ञ और खिचड़ी का प्रसाद का वितरण होता है। अच्छा, हनुमत धाम में भी यहाँ पे मकर संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे, ऐसा क्या कहेंगे आप? इसमें कहना है कि हमारा इसके पीछे उद्देश्य है, जो हम यहाँ का खिचड़ी का आयोजन करते हैं पिछले 10-15 वर्षों से, तो उसके पीछे उद्देश्य है कि हिंदू जागृत हो, हिंदुओं को अपने त्योहारों के बारे में जानकारी हो, ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। ठीक, थैंक यू।